हेलो, आज का टॉपिक है कार्डिनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सेट। एग्जाम्पल, सबसे पहले बाद में मैं समझा रहा हूँ बढ़िया से। मां सपोज कीजिए, ए कोई सेट है, इसका मेंबर है ए बी सी डी ई। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ, इसके कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5। कार्डिनल नंबर को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना, 5। यही इसका कार्डिनल नंबर है। और इसके बाद इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे। पहले इसको आप नोट कर लें, नोट करके इसका मतलब समझें। इसमें ज्यादा कुछ डिफिनेशन में रखा नहीं है। जिस सेट के बारे में, जिस सेट का कार्डिनल नंबर आपको पूछ रहा है, आपको जस्ट उसके मेंबर को काउंट करना है और लिख देना है। कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं एन, या मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए। एंड स्पेशल चीज टू बी नोटाबेने दैट कि फिनाइट सेट का कार्डिनल नंबर होगा, लेकिन इन द केस ऑफ इनफिनाइट सेट कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। इसको नोट कर लीजिए, मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। इस कार्डिनल नंबर के प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम दो सेट जो कि नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम लेते हैं। एक लिया ए बी सी डी E और बस, और B एक सेट लिया, और ऐसा ये दोनों सेट लेना है आपको, सो दैट कि ये सेट दोनों आपस में ओवरलैपिंग हो। कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग हो, यानी इस सेट का कुछ ना कुछ मेंबर इस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। सो मान सपोज कर लेते हैं D और E है, उसके बाद F G। अब देखिए, सबसे पहले इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, एन ए कितना आया भाई, बोलिए। एक 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर कितना आया, 5। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना आया, 1 2 3 4। एन बी इज इक्वल टू कितना आया, 4। अब आप लोग समझ रहे हो, जानते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होगा। दोनों सेट को मिला देने से हमको ए यूनियन बी आएगा। चलिए देखिए, ए यूनियन बी करेंगे क्या आएगा, बोलो। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब इसका कार्डिनल नंबर बोलिए क्या हो गया। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया, 7। अब एक और ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं तो देखिए कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, डी और ई दोनों सेट में है, तो इसका हो गया मेंबर कौन कौन, डी एंड ई। इसका अगर कार्डिनल नंबर लिखना हो तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब यहां से एक चीज देखिए, ए यूनियन बी मतलब हमने दोनों सेट को मिला दिया,
दोनों सेट को जब मिला दिया, मिलाने के बाद हमको मिला ए यूनियन बी। अगर हमको ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है, तो इसका मतलब है कि इसके कार्डिनल नंबर और इसके कार्डिनल नंबर को अगर ऐड कर दें तो कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी का भी उतना ही होगा। यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। लेकिन अगर अभी हम लोगों को चेक करना है कि क्या हम लोगों ने जो इस दोनों सेट का यूनियन निकाला, यानी दोनों सेट को मिला के जो मेंबर लिखा ए यूनियन बी में, और दोनों सेट के कार्डिनल नंबर को ऐड कर देने से ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं कि नहीं। अगर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखिए ए यूनियन बी में कितना कार्डिनल नंबर है भैया, बोलो, 7 है ना, 7। अब देखिए एन ए में कितना है, एन ए में कितना है, 5 प्लस एन बी में कितना है, 4। टोटल कितना हुआ भैया इधर में, ये हो गया 9 और ये हो गया 7। 7 कभी भी 9 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब हम लोगों ने जो ऐसा लिखा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सोचो क्या गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि NA में कितना एलिमेंट है, 5, और NB में कितना है, 4। इसमें दो एलिमेंट जो है, ये दोनों A इंटरसेक्शन B वाला, ये दो बार काउंट हुआ है। कितने बार काउंट हुआ, दो बार। इसमें भी हमने 5 में गिना और इसमें भी हमने B में भी D और E को गिन लिया, तो दो बार गिन लिया। इसका मतलब एक बार हमको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। तो इसमें अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दें, माइनस कर दें, तब देखिए बात आता है कि नहीं। एन ए यूनियन बी कितना आया, 7 इज इक्वल टू एन ए कितना, 5 प्लस एन बी कितना, 4 माइनस ये कितना, 2। अब देखिए 5 प्लस 4 कितना, 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7। अब देखिए ये दोनों सेम हुआ कि नहीं। इसका मतलब इस ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बीच में, के बीच में, ये सारे के टर्म के बीच में एक ना एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये एग्जिस्ट करता है और इसी रिलेशन के ऊपर आप सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कार्डिनल नंबर से रिलेटेड है सारे को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये कार्डिनल नंबर का टॉपिक आईसीएसई बोर्ड वाले क्लास 7 से लेके 10th तक और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए 11 में भी हेल्पफुल रहेगा। ध्यान से समझिए। इसके बाद में आपको इस रिलेशन का वेन डायग्राम भी बता रहा हूं। वेन डायग्राम बनाने से पहले मुझे ये दो टॉपिक और बताना है। ए माइनस बी, अगर हम ए माइनस बी करें तो हमको क्या मिलता है, देखिए ए में बी को घटाना है। ए माइनस बी मतलब बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए से। तो बी में कौन सा एलिमेंट है, डी, डी कट जाएगा, ई, ई कट जाएगा। तो ए माइनस बी में कौन कौन आया, ए बी एंड सी आया ना। तो इसके मेंबर कितने हो गए देख लीजिए, इसके मेंबर हो गए, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। अगर हमको अब बी में से ए को माइनस करना है तो क्या करना होगा, बी में से ए को माइनस करेंगे तो इस बार बचेगा जो बी में, बी में जो बचेगा वो आएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ कोमा जी। यानी नंबर ऑफ बी माइनस ए कितना आएगा, कितना,
दो। अब बोलो, इसको नोट कर लिया? नोट कर लिया। अब इस कार्डिनल नंबर के जो प्रॉपर्टी को अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, वेन डायग्राम के लिए हम लोग सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। अब देखिए, ये यूनिवर्सल सेट, अब ये एक सेट है, आपको पहले दिया बताया जा चुका है कौन कौन सा है, ए बी सी डी एंड ई। बी सेट है आपका कौन सा, डी ई एफ एंड जी। जी था कि नहीं उसमें, था ना? और अब देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है, ये पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा मेंबर मिला था आपको, डी और ई था ना? तो यहां पर लिखा डी और यहां ई। अब डी ई को बाद देने के बाद कौन सा मेंबर बचता है, वो हो गया ए बी और सी। और ए बी सी आपको पीछे में देखिए क्या निकला था, ए माइनस बी निकला था कि नहीं निकला था। और B में क्या निकला था, B माइनस A आया था, कौन सा, देखिए F और G। देखिए वहां पर B माइनस A आया कि नहीं आया था। अब देखिए, ये B माइनस A माइनस B और B माइनस A का दूसरा नाम भी है सेट थ्योरी में, उसके A माइनस B को हम लिखते हैं ओनली A, ओनली A। क्या बोलते हैं, ओनली ए। और ओनली ए को एक टाइप से और लिख सकते हैं, ओनली ए में कौन कौन एलिमेंट है, ओनली ए ये है, ये पार्ट है आपका ओनली ए, ये पार्ट ओनली ए है। तो ओनली ए में किसको माइनस कर दिया है, इसे किसको माइनस कर दिया है, इसे ओनली ए में ये डी ई को माइनस कर दिया, तो ओनली ए मिला। इसका मतलब नंबर ऑफ ए माइनस एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी वहां कितना आया था, दो। ए में कितना मेंबर था, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 कितना, 3। 1 2 3 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। अब देखिए, उसी तरह से हम बी माइनस ए को क्या बोल सकते हैं, ओनली बी। अब ओनली बी को हम क्या बोल सकते हैं, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए, एन बी कितना है यहां, 1 2 3 4, और एन बी इंटरसेक्शन ए कितना होगा, दो ही होगा, यही दोनों इंटरसेक्शन में है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। कौन कौन बचा है, एफ और जी। इसका मतलब ये है आपका B माइनस A, ये क्या है, B माइनस A। ये A माइनस B, ये A इंटरसेक्शन B और ये B माइनस A। इसी का नाम दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आए कि ओनली A निकालिए, तो आपको उसके लिए चाहिए एन ए और एन A इंटरसेक्शन B। अगर ओनली B निकालना है तो आपको चाहिए एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। इतना चीज अगर पता होगा तब आप जो रिलेशन अभी सीखा है, मिटा दो इसको। हाँ, अब जो है कार्डिनल नंबर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उसके बारे में सबसे पहला फॉर्मूला क्या आया, एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन B। अब देखिए, इसमें जो निकालना है, 1 2 3 और 4, 4 में से 3 दिया रहेगा, चौथा को निकालना है। और 7 से लेके 11 क्लास तक के बच्चे कैसे इसको 4 में से 3 दिया रहे, चौथे को निकालना रहे, तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं। इसको मैं
आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू से बताने जा रहा हूं। तो अभी हम लोगों ने जो सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनल नंबर में, उसके लिए ये सम हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। सबसे पहले सम को तीन बार पढ़िए, तीन बार पढ़ने के बाद जो गिवन फैक्ट्स है उसको लिखिए। जैसे इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। इसका मतलब क्या है, 20 टीचर ही है जिसमें फिजिक्स भी पढ़ाता है और कुछ मैथ भी पढ़ाता है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना, 20। अब आगे पढ़िए, ऑफ दीज 12 टीच मैथ, यानी पहले एज्यूम कर लीजिए, एक मिनट एज्यूम कर लीजिए, एम इज इक्वल टू टीचर हु टीच मैथ, एंड एम एंड नंबर ऑफ एन पी इज इक्वल टू टीचर्स हु टीच फिजिक्स। अब ये दोनों मैथ भी पढ़ाने वाला है और फिजिक्स भी पढ़ाने वाला है, इसका मतलब नंबर ऑफ एन ए नहीं सॉरी एम यूनियन पी इज इक्वल टू कितना, 20। और ऑफ दीज 12 टीच मैथ, एन एम इज इक्वल टू 12 एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मतलब दोनों पढ़ाता है, 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। इसका मतलब कि एन एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू कितना, 4। ये आपके पास गिवन फैक्ट्स हैं। हमने एक फॉर्मूला बताया था, उसमें 4 अननोन क्वांटिटी, नॉन क्वांटिटी में से 3 जो है गिवन रहेगा और एक अननोन रहेगा, उसको आपको निकाल देना है। तो फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहां पर आप एम यूज करेंगे और पी यूज करेंगे, एन एम प्लस एन पी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सॉरी एम इंटरसेक्शन पी। अब इस फॉर्मूला में जो जो गिवन फैक्ट्स है उसको रख दीजिए। अब देखिए, एन नंबर ऑफ एम यूनियन पी ये दिया हुआ है, यहां पर देखिए कितना, 20। एन एम दिया हुआ है कितना, 12 प्लस एन पी हमें पता नहीं हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ये निकालना है तो इसको एन पी ही रहने दीजिए, माइनस एम इंटरसेक्शन पी कितना दिया हुआ है, 4। अब देखिए ये हो गया आपको 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8 प्लस एन पी, और एन पी को निकालना है, इसका मतलब इसके साथ जो फालतू चीज है इसको इस साइड ले आइए, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू एन पी दैट इज 12 इज इक्वल टू एन पी, ये सम बन गया। आपको केवल इस फॉर्मूला को अगर आपने सीखा है इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। ओनली वाले के लिए मैंने हिंट दिया है, ओनली मतलब ए माइनस बी दोनों सेट का डिफरेंस, या उस सेट में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देना तो ओनली निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे सम भी बताएंगे जिसमें ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले, ओनली मैथ पढ़ाने वाले भी बताएंगे। थैंक यू।